सो हे गाइस, वेलकम टू माय आर्ट चैनल आर्ट विद नरेश। सो डियर फ्रेंड्स, फाइनली जो है ट्यूटोरियल नंबर 3 को लेके आ चुके हैं फॉर द बिगनर। यहां पर हमने कौन कौन सी टेक्निक यूज की है मोस्टिचेस एंड बियर्ड में, तो वो सारा कुछ आज बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल एंड यूजफुल होने वाली है। एंड ये फ्रेंड्स, कोई चैनल पर नया है यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑन कर लो। एंड यहाँ पर जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में आ चुके हैं एंड जो है बिल्कुल प्रोटेक्ट के साथ। ये ट्यूटोरियल नंबर 3 है एंड यहाँ पर जो है हाफ फेस की जो है प्रॉपर शेडिंग करेंगे एंड बियर्ड की शेडिंग करेंगे किस तरीके से होती, तो यूनिक सा एक मेथड अप्लाई करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो बने रहिए एंड तक। यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ वो ये है 2B पेंसिल। तो हमें क्या करना, लेयर बाय लेयर काम करते जाना एंड रिजल्ट को विथ इजी वे में अचीव करना है। सबसे पहले हमें करना क्या है, पेंसिल को एक अच्छी स्ट्रेंथ में पकड़ना है, देन हमें उसको इजी से अप्लाई करना है। डिफरेंस ब्लेंडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल होता है वो होता है मेकअप ब्रश। तो ये छोटे वाला मेकअप ब्रश है एंड इससे बड़ा जो ये है। सो मैं ज़्यादातर अपने आर्ट में जो है मेकअप ब्रश का ही यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा एंड स्मूथ ब्लेंडिंग इससे होती है। सो इसको जो है एक हल्के हाथों से स्मूथली पकड़ के एंड ईजिली अप्लाई करना है। एंड यहाँ पर जो लाल सिंह चड्ढा, मिस्टर परफेक्शन आमिर खान सर, जो एक महान आर्टिस्ट है, महान कलाकार है, जिनकी हर मैं एक मूवी देखता हूँ एंड हर एक मूवी में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहता है इनकी मूवी में, तो आप भी ज़रूर देखा करें। एंड ये फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग के लिए जो है 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो है HP की पेंसिल को अच्छी तरीके से शार्प करके यूज़ कर सकते हैं। आप जो है अगर आपके पास कोई मटेरियल ना हो देन फिर भी आप जो है इजीली रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं अगर आपकी स्किल अच्छी हो रियलिटी में। तो स्किल सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सो इसके लिए करना क्या है कि हमें रेगुलर बेस के ऊपर जो है प्रैक्टिस करनी होती है। तो एक दो प्रैक्टिस होती है जो आपको जो है एक हैंड को अच्छे तरीके से कवर करना होता है, पेंसिल के ऊपर लेके आना होता है, तो वो प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी होती है क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ लेजेंड। एंड मैंने कहीं कहीं पे जो वीडियो को जो है थोड़ा फास्ट कर रखा है ताकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो वीडियो को पूरा देखे सही तरीके से। तो मैंने जहाँ जहाँ पर मेन पॉइंट है कि हाँ मुझे यहाँ पर बताना है तो वहाँ पर जो है मैं बता दूँगा। फ्रेंड यहाँ पर जो है हमें इजीली काम करते जाना है जब तक हमारा फ्रंट पोर्ट्रेट में जो हमारा दिया गया है उसमें रिजल्ट मैच ना हो। तो इसी तरह हमें काम करते जाना है रिजल्ट को इजीली अचीव करना है विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत डिटेलिंग के लिए 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ, देन 0.5 की, देन कहीं कहीं जगह पर 2B HB इस तरीके से, एंड कहीं कहीं जगह पर जो है मैं ब्लेंडिंग के लिए फिंगर का भी यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको ऐसे करके हुए एक मिक्स में काम लेके चलना है एंड एक अच्छा पोर्ट्रेट जो है बनाकर रेडी करना है। एंड यहाँ पर जो है मैं लेयर देने की कोशिश कर रहा हूँ बियर्ड मोस्टिचेस की, किस तरीके से होती है, हमारे जो हेयर के फ्लो किस डायरेक्शन में है, किस तरीके से किस जानिब जा रहे हैं। देन अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, ड्रा करना है। देन यहाँ पर जो है मैंने 2B ले लिए फॉर द फर्स्ट लेयर। हमने जो है एक बियर्ड को फर्स्ट लेयर देनी होती है तो इसके लिए जो मैं सबसे पहले जो है 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, एक फ्लो देख रहा हूँ कि हेयर के फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन को मैं इजीली ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर।
एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं बताना भूल गया कि हम जो टेक्निक यूज़ करने वाले यहाँ पर वो जो है इंडेटिक टेक्निक उसको बोलते हैं। ये हमने जो एक पेन ले रखा है जिसकी जो इंक प्रॉपर एक ख़त्म हो चुकी है, देन उसको जो है इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं अपने पोर्ट्रेट में एज अ इंडेटिक टेक्निक। इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने पोर्ट्रेट को फ्रंट पोर्ट्रेट को ले रखा है, देन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट वाइट हेयर जो बने हुए कर्व से वाइट हेयर, इसको किस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं। तो इसका इजी मेथड मुझे जो है इंडेटिक टेक्निक का लगता है। देन इसको हम जो है ड्रा करके देन जो है मोनोजीरो रेजर से हम जो है इसकी दे सकते हैं, हाईलाइट निकाल सकते हैं, लेकिन जो है इंडेक्टिव टेक्निक हमारा काम जो है इजी कर लेती है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जो है काम इंडेटिक टेक्निक का बिल्कुल फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। एंड देन यहाँ पर जो लेयर देने के लिए मैंने जो है 2B पेंसिल ले लिए। आपको करना क्या है, सीधे से इसके ऊपर अप्लाई करते जाना, रिजल्ट खुद ही हमारे सामने आ जाएंगे सामने बिल्कुल ईजीली। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मैं फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ 2B से। देन जो है हमने जो फर्स्ट लेयर दे रखी है यहाँ पर, जो वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट कर लिया था। एंड डिफरेंस यहाँ पर जो उसी तरह मेथड को अप्लाई करना, यहाँ पर जो मैं मेकअप ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ फॉर द ब्लेंडिंग, बिल्कुल हल्के हाथों से स्मूथली जो आपको ब्लेंडिंग करना है, क्योंकि हमें जो है एक टेक्स्चर भी चाहिए, क्योंकि बियर्ड है हेयर कर्व होते हैं, इसके ऊपर अगर टेक्स्चर होगा अच्छा तो अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा हमारा पोर्ट्रेट को। देन यहाँ पर जो आफ्टर द ब्लेंडिंग ख़त्म हो चुकी है, देन यहाँ पर जो है 3B यूज़ कर रहा हूँ फॉर द सेकेंड लेयर। आपको इसी तरह काम करते जाना है एंड रिजल्ट को ईजिली अचीव करना है। पोर्ट्रेट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है कि हमारे जो हेयर के स्ट्रोक किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, किस दिशा में फ्लो कर रहे हैं, किस टाइप जा रहे हैं, उसको ईजिली ऑब्जर्व करना है, देन अप्लाई करते जाना है। यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप किस तरीके से आप इसको ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत वीडियो स्किप हो चुकी थी, तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं कर्व बनाने ट्राई कर रहा हूँ, गोल दायरे सर्किल सा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बियर्ड घनी या ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर जो हमारे हेयर जो होते हैं वो कर्व टाइप के हो जाते हैं, तो आप इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं बिल्कुल एक सर्किल की तरह कर्व बना के। तो इसी तरह हमें रिजल्ट को अचीव करते जाना है, लेयर देते जाना है एंड जो है ब्लेंडिंग करते जाना मेकअप ब्रश के साथ। एंड यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू को ऑप्ट करने के लिए मैंने 9B ले ली है। आपको 9B ही भी उसी तरीके से अप्लाई करना है जैसे हमने 2B एंड 3B को अप्लाई किया। एंड यहाँ पर जो है मैं लिप्स एंड मोस्टिचेस को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इजीली जो है पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करना देन उसको अप्लाई करना, आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पर जो मैं 2B पेंसिल का यूज़ करते हुए मोस्टिचेस को ड्रॉ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। एक अच्छी लुक हमें जो प्रोवाइड कर रहा है देख सकते हैं। एंड यहाँ पर और भी ज़्यादा इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं हाईलाइट के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ वो है मोनोजीरो रेजर, वन ऑफ द बेस्ट टूल होता है फॉर द हाईलाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हाईलाइट एरियाज हैं उसको ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर जो वाइट हेयर हैं हमारे बियर्ड के अंदर उसको ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ विथ ईजी वे में।
एंड डिफरेंस यहाँ पर जो है मैं शर्ट को अच्छे तरीके शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन जो है इसका जो ट्यूटोरियल जो शर्ट का एक प्रॉपर जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा ट्यूटोरियल नंबर 4 में, तो यहाँ पर जो मैं आज के लिए कुछ इतना ही ड्रा करूँगा। एंड चैनल पर कोई नया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।